लोकेश, आपके कमेंट्स क्या रहेंगे रीज मीडिया वर्क्स पर? देखिए, मैं इसके सिर्फ प्योरली टेक्निकल चार्ट्स को स्टडी करता हूँ. वी सी ए डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न. अभी भी जो आप थोड़ा बहुत उछाल स्टॉक में देख भी रहे हैं, दिट इज अ डेड कैट बाउंस जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में फिर से इसमें करेक्शन देखी जाएगी. तो इट्स गोना बी अ बिग अवॉइड फॉर द इन्वेस्टर्स. प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक. आप इसमें अपनी वेल्थ को लूज कर सकते हैं. श्योर, बट एक व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज जो आया है वो हम सवाल लेना चाहेंगे. मिस्टर एमडी बस्तागे का आया है तेलंगाना से मैसेज, और उनका सवाल है विसागर पॉलिटेक पर. लोकेश, 300 और शेयर्स एट 50 और लेवल्स की उनकी परचेज प्राइस है. टेक्निकल पर्सपेक्टिव में कोई व्यू बनता है आपका, एंड इज देयर एनी कमेंट यू वांट टू ऑफर ऑन दिस? देखिए, वे लुक एट द चार्ट, दे डोंट लुक कंफर्टेबल. इसमें साफ साफ डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है. आई वुड बी एडवाइसिंग द इन्वेस्टर्स कि प्लीज इसमें से निकल जाइए. ऑलमोस्ट आपने 30-40 रुपीज के आसपास को बाय किया हुआ. द करंट वैल्यू इज अराउंड 4 रुपीज. यू हैव इरोडेड एंटायर वेल्थ. जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था वो आज आपकी वैल्यू रह गई है स्टॉक की. सो प्लीज अवॉइड दिस स्टॉक. अवॉइड कीजिए स्टॉक को. और अगर आप निवेशित हैं तो नुकसान भले हो रहा हो लेकिन बाहर आ जाइए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है यहाँ निवेशित रहने का. अगले कॉलर राहुल है हमारे साथ, और उन्होंने जो SMS में भेजा है वो सुबेक्स के ऊपर भेजा है. 9 रुपए पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक में ये निवेशित हैं. सौरभ, सुबेक्स IT सॉफ्टवेयर बनाने के कारोबार में है कंपनी, और अगेन ये स्टॉक भी उन कंपनियों में से एक रहा है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने निवेशकों को नुकसान पहुंचाया है. अपने ईयरली लोस पर ये ट्रेड कर रहा है, क्या करे अभी ये? आपने बिल्कुल ठीक कहा दीपाली, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत वीक है. होपिंग अगेंस्ट होप वाली स्टोरी अगेन आप ये दोबारा आ रही है आंखों के सामने. मुझे लगता है बने रहने का कोई पॉइंट नहीं है. जितनी जल्दी हो सके निकल जाए. श्योर. अगला मैसेज आया मिस्टर अभय जैन का फ्रॉम जबलपुर. ज्योति स्ट्रक्चर्स पर क्या व्यू है यहाँ से लेकर लोकेश? और जैसे आपने कुछ देर पहले बहुत ही अच्छी लाइन कही थी कि यहाँ पे जितना उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए उतनी वैल्यू रही है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस मेंटेन करना एक स्टॉक पर? देखिए मनोज जी, आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप स्टॉप लॉस पहले लेना कितना चाहते हैं. आइडियली स्टॉप लॉस अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर लेता भी है तो वो 5-10% का ही लेता है. अगर 10% के नीचे आपकी वैल्यूएशन इरोड हो रही है तो दिस इज नॉट द प्लेस टू बी स्टे इन्वेस्टेड. अगर आपने लाखें रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है, 10% आपका स्टॉप लॉस इरोड हो गया, विच मीन्स आपको उसमें 10% 10,000 रुपये का नुकसान आ रहा है, तो आपके लिए वो जगह नहीं है इन्वेस्ट रहने के लिए. क्योंकि 10,000 रुपये तो आपने उसमें से दे ही दिए, तो आपकी वैल्यूएशन अब 90,000 की रह गई है. तो मैक्सिमम बिग साइड स्टॉप लॉस भी अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी लेता है तो 10% से ऊपर ना ले. अगर उसके नीचे स्टॉप ट्रेड करना शुरू कर दे, दैट इज नॉट अ प्लेस टू बी स्टे इन्वेस्टेड. क्योंकि फिर वहां पे आपकी जो वेल्थ है वो ही 10% रह जाएगी और 90% जो आपकी कैपिटल है वो इरोड हो जाएगी. अगर हम बात करें यहीं पे ज्योति स्ट्रक्चर की, ज्योति स्ट्रक्चर में एक टाइम पे बहुत अच्छा ट्रेडिंग लेवल्स थे. इट वॉज ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ 20-40 रुपीज. जैसे इसने 25 रुपए के दायरे को ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ, ये आज स्टॉक जो है वो सिंगल फिगर में रह गया एंड इट इज नॉट द प्लेस टू स्टे इन्वेस्टेड. तो आपने अगर किसी ने इन्वेस्ट किया भी हुआ और आपको थोड़ा बहुत इसमें गेन या कहीं पे कुछ वैल्यू मिल भी रही है आपकी इन्वेस्टमेंट की, तो प्लीज इसमें से एग्जिट कर लीजिए. जी, चलिए अगला सवाल लेते हैं. और ये सवाल हमें भेजा है अनूप ने दिल्ली से, और सवाल है इनका बिरला पावर पर. अब देखिए, बिरला पावर इन्होंने खरीदा हुआ है और अब स्टॉक में BSE पर ट्रेडिंग सस्पेंडेड है ड्यू टू पीनल रीजंस. और ऐसे बहुत सारे निवेशक है जो इन लो वैल्यू स्टॉक्स को खरीद लेते हैं बिना उनके फंडामेंटल्स, बिना उनके कामकाज को समझते हुए, ये देखते हुए कि हाँ स्टॉक इतना करेक्ट हो चुका है, 4-5 रुपए मिल रहा है, खरीद लेना चाहिए. और आप देखिए, जो 4-5 रुपए के प्राइस पर भी आपने पैसा लगाया था वो भी आपका डूब चुका है. बिरला पावर, कुछ कॉमेंट करेंगे आप? सौरभ, कामकाज तो BSE पर सस्पेंडेड है. अगेन एक ऐसी कंपनी जिसने सिर्फ अपने निवेशकों की वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है, क्या करना चाहिए अभी? जी, अब तो कर ही क्या सकते हैं, ये तो स्टॉक भी नहीं बेच सकते क्योंकि स्टॉक सस्पेंडेड हो गया है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वीक है, ओवरऑल नेगेटिव है, कुछ नहीं कर सकते जी. लेकिन सौरभ, ऐसे बहुत सारे कॉलर्स भी आते हैं हमारे शोज में जिन्होंने ऐसे स्टॉक्स अभी तक होल्ड किए हुए हैं जहां पर कामकाज सस्पेंडेड है. बिरला पार्क के साथ मुझे एल्डर फार्मा का नाम ध्यान में आ रहा है, एक डॉक्टर डेटसन का नाम ध्यान में आ रहा है. तो ऐसे में उन निवेशकों के पास विकल्प बचता क्या है जो स्टॉक्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं और BSE पर कामकाज सस्पेंड हो चुका है जिन शेयरों में? देखिए, इसमें निवेशकों के पास मैं नहीं समझता हूँ कि कोई खास विकल्प है. अगर वो स्टॉक कंपनी चाहे तो वो अपने जो भी उनके ऊपर एलिगेशन, जो भी पेनल एक्शन की वजह से, जिस वजह से कारणों से वो डीलिस्ट की गई है, वो अगर उनको पूरी पूर्ति करे, अपनी फीस जमा कराए और दोबारा लिस्ट होने की चेष्टा करे, तभी इन लोगों को मौका मिल सकता है. और अगर कई कंपनी ऐसा करती भी है तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में पॉजिटिव इंडिकेशन देगी कि आगे जो डेज आने वाले हैं शायद थोड़े बेहतर रहेंगे. श्योर. उमेश का एक अगला कॉलर है, मैसेज आया व्हाट्सएप द्वारा.
उनका सवाल है लोकेश यूनिटेक पर, 500 odd shares at 19 odd levels की उनकी purchase price है, yet another stock, यहाँ पे 3.9 is the current market price. Is there any comment you want to offer on this? मनोज जी, मेरे को अच्छी तरह याद है यूनिटेक एक ऐसा स्टॉक है जो कंटिन्यूसली जी बिजनेस के शोज पे डिस्कस होता रहा, फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 8 rupees एंड 9 rupees के आसपास जब इसने ट्रेड करना शुरू किया, तभी से इस पर डिस्कशन शुरू हुआ. तो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी जो ये स्टॉक है आने वाले टाइम में 3 से 4 rupees के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है, बिकॉज नथिंग इज लेफ्ट इन दिस कंपनी. प्रमोटर्स आर फेसिंग लॉट ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स, कंपनीज के ऊपर हैवी डेट्स एंड द प्रोजेक्ट्स आर नॉट डूइंग वेल, फंडामेंटल वैल्यूज तो बिल्कुल खराब ही है. अगर आप टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे तो उसमें हाई लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इंडिकेट करता है. तो यहाँ पे भी आपको यही एडवाइस दी जाएगी, अगर आपको कुछ इन्वेस्ट ही करना है, प्लीज चूज सम companies which have some good fundamental values and technical charts show some kind of consolidation. It's a void for the investors. Avoid Unitec और ऐसे ही शेयरों का चुनाव करें जहां पर आपको फायदा पहुंच सके. और purpose डेंजर जोन को शुरू करने का या फिर शो को लाने का मकसद यही है कि आपको आगाह कर सके कुछ ऐसे शेयरों से जहां पर आपको नुकसान पहुंच सकता है. आप देखिए जो भी स्टॉक्स यहां पर डिस्कस हुए वो ज्यादातर शेयर्स वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहे हैं और यहां से और नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं, तो सतर्क रहें. और अगर इनमें से किसी स्टॉक में आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट होने का समय आ गया है.